सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि सर और आप सभी का स्वागत है बीएसके विद्यासागर सिंह के यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने नाउन और नंबर यानी कि संज्ञा और वचन को ख़त्म कर लिया है। तो सबसे पहले अगर आप लोग उस वीडियोज़ को नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे चैनल पर जा करके उसमें उसके प्लेलिस्ट में हमारी इंग्लिश की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है वो पार्ट वन पार्ट टू करके, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश की। आप लोग उसमें जा करके पूरी इंग्लिश की जितने भी सारी वीडियोज़ पिछली हैं, पीछे जितनी सारी वीडियो चली हुई है, आप उन सबको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग प्रोनाउन को भी देख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आप उन सबको देख लेंगे तो प्रोनाउन जो है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये इंग्लिश के जो टॉपिक्स होते हैं वो एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को देख लीजिए, उसके बाद प्रोनाउन को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रोनाउन को स्टार्ट करते हैं, प्रोनाउन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। प्रोनाउन कहते किसे हैं, तो सबसे पहले हम लोग प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, प्रोनाउन कहते किसे हैं, ठीक है, क्या होता है, व्हाट इज़ अ प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम क्या है, यानी कि नाउन का प्रो वर्जन, जैसे फ़ोन का आता है ना प्रो वर्जन, वैसे ही नाउन का प्रो वर्जन, ठीक है, जो मतलब नाउन की स्थान ले लेता है। जैसे कोई फ़ोन आ गया, मान लीजिए वीवो X50 आया था, फिर उसके बाद X50 Pro आ गया, तो वो X50 की जगह ले लिया ना X50 Pro, वैसे ही नाउन की जगह ले लेता है प्रोनाउन, यानी कि नाउन का जो प्रो वर्जन है प्रोनाउन, वही वो क्या करता है, नाउन की जगह ले लेता है, प्लेस ले लेता है, यानी कि वैसा वर्ड जो संज्ञा के बदले में आता है या फिर संज्ञा को रिप्लेस करके खुद आ जाता है या फिर संज्ञा के लिए आता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन को देखेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला डेफिनेशन क्या है कि प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट कैन बी यूज टू टेक द प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि सर्वनाम वे शब्द हैं जिनका प्रयोग संज्ञा का स्थान लेने के लिए किया जाता है, यानी कि सर्वनाम कौन से शब्द हैं, सर्वनाम वे शब्द हैं जिनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, संज्ञा का स्थान लेने के लिए किया जाता है, किसका स्थान, नाउन का, प्लेस, प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि संज्ञा का स्थान लेने के लिए किया जाता है। प्रोनाउन का उपयोग, प्रोनाउन का यूज किस लिए किया जाता है, नाउन का प्लेस लेने के लिए, प्लेस ऑफ ए नाउन, ठीक है, टेक द प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि संज्ञा का स्थान लेने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स देख लेंगे कि सर्वनाम किनको किनको कहते हैं। तो सबसे पहले आता है ही, मतलब कि वह, जैसे मैं बोलूँगा कि रमेश एक लड़का है, ठीक है, और फिर दोबारा उसको बोलना होगा अगर रमेश की जगह पर, ठीक है, तो रमेश को ना दोहराते हुए जब मैं बोलूँगा कि वह एक अच्छा लड़का है, रमेश एक लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है, ठीक है, रमेश का लड़का तो है ही लेकिन वह अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, तो जब मैंने रमेश की जगह पे वह लगा दिया तो वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, सर्वनाम क्या कर लिया, नाउन की जगह ले लिया, प्लेस ले लिया संज्ञा के, ठीक है। उसके बाद सी आता है फीमेल्स के लिए, ही का काम ही करता है सी, लेकिन आता है फीमेल्स के लिए। उसके बाद है ईट का यूज़ किया जाता है निर्जीव वस्तुओं के लिए या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आई मतलब मैं खुद, ठीक है। उसके बाद वी मतलब होता है हम लोग, हम सब लोग, ठीक है, तो वी मतलब होगा हम लोग। उसके बाद यू मतलब तुम लोग, आप लोग, ये सब क्या है, यू में आता है। यू का इंग्लिश में एक मीनिंग, हिंदी में चार मीनिंग बनाता है। यू मतलब होता है तुम, आप, दो हो गया। उसके बाद आप लोग, तुम लोग, ठीक है। तो ये आप लोग को भूलना नहीं है कि आप लोग का क्या होता है, तुम लोग का क्या होता है, वैसे मतलब बहुत सारे लड़के क्या होते हैं ना, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आप लोग का भी यू, तुम लोग का भी यू, तो सबका इंग्लिश मीनिंग यू ही होता है, ठीक है। उसके बाद वी तो हो गया। दे मतलब होता है वे लोग, ठीक है, दे मतलब होता है वे लोग, मतलब जो मतलब हमारे सामने खड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग, तो उनको बोलेंगे दे, वे लोग, ठीक है। उसके बाद है मी मतलब आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, ठीक है, मी मतलब होता है मुझे और आई मतलब मैं, ठीक है, लो कहाँ आ गए, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है हिम है ही का ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। उसके बाद है हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस, वी का होता है अस, देम का मतलब दे का, उसके बाद माई का होता है माइन यानी कि मेरा, योर मतलब तुम्हारा, हीज मतलब उसका, हर मतलब भी उसका होता है फीमेल्स के लिए, माई मतलब मेरा, और मतलब हमारा, देयर मतलब उनका, ठीक है, एक्सेट्रा ETC, ठीक है। तो ये सब जो जितने वर्ड्स आप लोग को दिख रहे हैं एग्जांपल्स में, जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं ये सब क्या है, प्रोनाउंस है, ठीक है, प्रोनाउंस। उसके बाद ये प्रोनाउन तो आप लोग को समझ आ गया होगा, प्रोनाउन किसे कहते हैं, ठीक है, प्रोनाउन वे शब्द हैं जो संज्ञा के बदले में आते हैं, ठीक है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट आर रिप्लेस ए नाउन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रोनाउन के टाइप्स पे, टाइप्स ऑफ ए प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं,
चलिए देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयर आर, इंग्लिश में ही लिखते हैं, ब्लैक वाला लेकर लिखते हैं, देयर आर एट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, यानी कि प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है? सर्वनाम 8 प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। यहाँ पे लिख देते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये खास आप लोगों को मिल जाएगा जब इसका डेफिनेशन लिखवाएंगे पर्सनल प्रोनाउन का, तो उसमें आप लोगों को हिंदी देखने को मिलेगा व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ तक हो गया व्यक्तिवाचक सर्वनाम। उसके बाद है पोजेसिव प्रोनाउन, यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम। दूसरा ले लेते, ये होता है अधिकार, अधिकारवाचक सर्वनाम होता है ये। ठीक है, उसके बाद होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद रेसिप्रोकल, रिलेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव और इंडेफिनिट। यानी कि ये सब जो है हिंदी आप लोग को, इन सब का हिंदी नीचे देखने को मिलेगा। यहाँ तक आप लोग जान जाइए मतलब प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं, यानी कि संज्ञा 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये सब 8 प्रकार हैं किसके, प्रोनाउन के। ठीक है, ये सारे हो गए प्रोनाउन के प्रकार। अब हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं बारी बारी से, सब सारे जो डिफरेंट टाइप्स हैं प्रोनाउन के, उन सबको बारी बारी से पूरा उनका डिफिनेशन डिटेल से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे रेड सीन देखते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, पर्सनल जैसे हम लोग पढ़े थे नाउन में, पढ़े थे पर्सन वो पढ़े थे नाउन में, क्या कर रहे थे प्रोपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है सेम चीज पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, वो क्या करता था, किसी खास व्यक्ति या वस्तु को सूचित करता था, लेकिन ये क्या करता है, वही किसी खास व्यक्ति या वस्तु के बदले में आता है, उनके नाम के बदले में आता है, उनको रिप्लेस करके आता है। जैसे नाउन में क्या था कि उनके खास नाम को कहा जाता था प्रॉपर नाउन। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, उनके खास नाम को रिप्लेस करके जो वर्ड आता है उसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं इनका डेफिनेशन क्या होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन्स आर दोज दैट रेफर टू पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड आइडियाज डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब क्या, सीधे उन्हीं को इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, व्यक्तिवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो लोगों, स्थानों, चीज़ों और विचारों को सीधे संदर्भित करते हैं, यानी कि सामने से एकदम अटैक करते हैं, स्टेट, यानी कि सीधे संदर्भित करते हैं, सूचित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि वे शब्द, यानी कि दैट वर्ड्स, दैट वर्ड्स दैट आर क्या करते हैं, दैट आर डायरेक्टली इंडिकेटेड पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स दैट आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन्स। जैसे यहाँ पे व्यक्तिवाचक सर्वनाम वह शब्द हैं जो क्या करते हैं, किसी भी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान या विचारों के खास नाम को, खास नाम के जगह पर आते हैं, उनका स्थान लेते हैं, तो उन्हें क्या कहता है, पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, पर्सनल प्रोनाउन्स कैन बी डिवाइडेड अप इनटू टू मेजर कैटेगरीज, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन जो है उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला है सब्जेक्ट प्रोनाउन्स, यानी कि जैसे किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह पर कौन कौन से प्रोनाउन आ सकते हैं, वो होते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन्स। तो सबसे पहला आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, यानी कि ये सब जो आप लोग को दिख रहे हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे,
तो ये सब क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन से, जो क्या करते हैं, जो भी नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर रहता है अगर वहाँ पे किसी भी प्रोनाउन का यूज़ करना है ठीक है, तो वो वहाँ पे इन्हीं में से कोई आता है उन नाउन्स का, नाउन्स के जगह पे उन नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन्स यानी कि मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, यानी कि ये सब जो आपको नीचे वाले वर्ड्स दिख रहे हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ठीक है। यहाँ से देखिए, इनको ग्रीन से करते हैं, ये ग्रीन वाले जो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है, और ये जो रेड वाले आप लोग को दिख रहे थे ये क्या थे, सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ये थे सब्जेक्ट प्रोनाउंस। यानी कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस का मतलब क्या, जब सेंटेंस में कोई आ गया, गर्ल का नाम आ गया, बॉय का नाम आ गया ठीक है, तो उन सब के जगह पे आएगा ये सब, अगर सब्जेक्ट की जगह पे आता है तो इन सब वर्ड्स प्रोनाउन वर्ड्स का यूज़ करेंगे, लेकिन जब ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई भी आता है ठीक है, मैं आता हूँ, वह आता है ठीक है, तो उन सब के लिए क्या होगा, ये नीचे वाला ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे ठीक है। इनके बारे में और भी बात करनी है ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउंस को दो भागों में बांटा जा सकता है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि पर्सनल प्रोनाउन कहते किसे हैं ठीक है, और कितने भागों में बांटा जा सकता है इसको। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन उसे कहते हैं जो किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार के नाम को रिप्लेस करके जो वर्ड्स आता है उसे क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ए पर्सनल प्रोनाउन डिस्क्राइब्स ए पर्सन और थिंग इन फॉलोइंग वेज, यानी कि एक जो पर्सनल प्रोनाउन होता है यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो होता है वो क्या करता है, एक पर्सन या कोई वस्तु को डिस्क्राइब करता है इन फॉलोइंग वेज के द्वारा, यानी इन सब रूल्स के द्वारा क्या करता है, वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, उनके बारे में बताता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, यानी पर्सन आप लोग पढ़े होंगे पहले, सबसे पहले तो आप लोग पर्सन पढ़ा होगा, या फिर नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा। फर्स्ट पर्सन कहते किसे हैं, फर्स्ट पर्सन वो होता है द पर्सन हु स्पीक्स, यानी कि फर्स्ट पर्सन वो होता है जो क्या करता है, बोलता है ठीक है, वक्ता यानी बोलने वाला, बोलने वालों को क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन ठीक है। जैसे कि होता है आई, वी, मी, अस, ये सब हो गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में होते हैं वो सब। उसके बाद है सेकेंड पर्सन, किसे कहते हैं, सेकेंड पर्सन यानी कि देववचन ठीक है, उत्तम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हिंदी में बोला जाता है इनको। तो फर्स्ट पर्सन मतलब होता है प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन मतलब मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन मतलब उत्तम पुरुष होता है। तो फर्स्ट पर्सन आप लोगों को समझ आ गया कि बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और सेकंड पर्सन मतलब कि हु इज स्पोकन टू, यानी कि जिससे हम लोग बोल रहे हैं, जो सुनने वाला है ठीक है, द पर्सन हु इज स्पोकन टू, यानी कि जो सुनने वाला है उसे कहेंगे सेकंड नंबर ठीक है, सेकंड पर्सन। उसके बाद है थर्ड पर्सन जो है वो क्या है, एक थिंग विच इज स्पोकन अबाउट, यानी कि वह सब वस्तु या पर्सन ठीक है, व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है। जैसे मान लो मैं और मेरा दोस्त किसी और लड़के या फिर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया थर्ड पर्सन, और जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, और जो मेरा दोस्त सुन रहा है वो क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन ठीक है। पर्सन आप लोगों को समझाया गया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, सेकंड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन वर्ड्स आते हैं, और थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन वर्ड्स आते हैं ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन पे, यानी कि यहाँ से जितने भी सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन्स के, वहाँ तक मैं आप लोगों को पूरा एग्जाम्पल्स में भर दिया हूँ। अगर आप लोग यहाँ नहीं समझ पाते हैं तो आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, मेरा अपना पूरा 150% दे रहा हूँ आप लोगों को कि पूरा समझ में आए ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, मैं इतना बोल रहा हूँ ठीक है, मेरा इतना विश्वास है आप लोगों पर कि आप लोगों को इतना समझ में आ जाना चाहिए ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल्स की ओर पढ़ते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स की ओर ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पर्सनल प्रोनाउंस कहते एग्जाम्पल्स क्या है उनके, सबसे पहले ही वॉन्ट्स टू बाई ए न्यू साइकिल। अब ही आया, ही किसके लिए आया, किसी पर्सन के लिए आया, लड़के के लिए आया, आदमी के लिए आया, किसी के लिए भी आया, तो नाउन के लिए आया ना। जब नाउन के लिए आता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, जो नाउन को रिप्लेस करके आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो ही किस लिए आया, किसी नाउन के लिए आया, और ये कब आया, स्टार्टिंग में आया, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे, तो इसे बोल देंगे सब्जेक्ट प्रोनाउंस ठीक है। तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस मैंने आप लोग को बताया है पीछे ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहते किसे, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउंस है ना, यहाँ पे
आई वी यू ही सी इट दे, ये सब क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउंस है। जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं उसे सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहते हैं, और जो सेंटेंस के लास्ट में आते हैं जब एंडिंग होता है सेंटेंस का तब आते हैं तो उनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो यहाँ पे ये ही क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउंस है, जब स्टार्टिंग में आ रहा है तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस है, और ये किस लिए आया? किसी नाउन के, किसी नाउन को रिप्लेस करके आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है सी, सी किसके लिए आता है? फीमेल्स के लिए आता है। ही का ही काम करता है लेकिन सी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फीमेल के लिए आता है। तो देख लीजिए यहाँ पे, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यानी वो बहुत सुंदर है, ठीक है। तो वह बहुत सुंदर है, तो वह क्या है? एक लड़की है ना, लड़की होगी, ठीक है, औरत होगी, तो किसी पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसलिए ये क्या होगी? क्या होगी? प्रोनाउन होगी। अब प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन होगी? पर्सनल प्रोनाउन होगी ना, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या कर रही है? किसी पर्सन को इंडिकेट कर रही है, डायरेक्टली सीधे अटैक कर रही है। पर्सन का मतलब सीधे जो किसी पर क्या करे, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है पर्सनल, यानी कि खुद पर, जो मतलब किसी किसी चीज़ पर एकदम सीधा फोकस करे। जैसे आप लोग सीधा फोकस कर रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं किसी को कहूँगा तो सीधा देयर इज अ कुर्सी, ठीक है, वहाँ एक कुर्सी है, तो मैं किसी पर फोकस कर रहा हूँ, कुर्सी पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए, इट इज़ वेरी हॉट टूडे, यानी कि आज क्या है? बहुत गर्मी है। तो बहुत गर्मी है तो क्या हो गया? टुडे के बारे में बात किया जा रहा है, आज के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे ईट क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट प्रोनाउन है या फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसका हम लोग पता लगाना है। तो ईट कहाँ पे आया? सब्जेक्ट की जगह पे आया, ठीक है, सब्जेक्ट पे आया ना सबसे स्टार्टिंग में, जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया तो ये इसको क्या बोल देंगे? सब्जेक्ट प्रोनाउन बोल देंगे। उसके बाद है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि तुम मेरे क्या हो? सबसे अच्छे दोस्त हो। तो किसको बोल रहा हूँ मैं? किसी अपने फ्रेंड को बोल रहा हूँ ना कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं उसी को सीधा डायरेक्ट बोल रहा हूँ उसको इंडिकेट करके। तो यू क्या हो गया? हमारा बेस्ट फ्रेंड हो गया, तो यू हमारा हो गया पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। और पर्सनल प्रोनाउन में कौन हो गया? सब्जेक्ट प्रोनाउन। उसके बाद है दे आर गोइंग टू ए मार्केट, यानी कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं? बाजार करने जा रहे हैं, ठीक है, बाजार में जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ? दे, वे लोग क्या हुए? वे लोग क्या हुए? पर्सनल प्रोनाउन हुए। उसके बाद वी मतलब हम लोग, हर, टीना, रीता, जेरी। अब देखिए यहाँ पे हर तो ठीक है, ये सब तो आ रहा था नाउन को रिप्लेस करके, यहाँ से यहाँ तक नाउन को रिप्लेस करके आ रहा था। अब यहाँ पे आ रहा है सीधा नाउन ही आ रहा है, टीना आ रही है, रीता आ रही है, जेरी आ रहा है, ठीक है। तो इन सब के जगह पे जो ये मी आ रहा है, अस आ रहा है, देम आ रहा है, जब स्टार्टिंग में नाउन हो और उनके लिए बीच में या फिर लास्ट में कोई पर्सनल प्रोनाउन आए तो उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन तो है, ठीक है, लेकिन इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन था? ये ही, सी, इट, यानी कि नाउन के जगह पे ही आता है और ये नाउन के लिए आता है, लास्ट में आता है, ठीक है, नाउन के लिए ही आया है। टीना क्या है? टीना एक लड़की है, पर्सन का नाम है। तो टीना को फिर से दोहराने के लिए, ठीक है, उसके लिए क्या आया? मी आया है। उसके बाद रीता एंड टीना विल गो विथ अस टूडे। उसके बाद जेरी एंड टॉम वॉन्ट टू प्ले विथ देम, यानी कि टीना क्या कर रही है? मुझे एक लेटर दे रही है। उसके बाद रीता एंड टीना कहाँ जा रही है? हमारे साथ जा रही है। उसके बाद जेरी एंड टॉम वॉन्ट टू प्ले विथ देम, यानी कि टॉम एंड जेरी जो हैं वो उन लोगों के साथ खेलना चाहती हैं। तो उन लोगों को कौन कर रहा है? उन लोगों को इंडिकेट कौन कर रहा है? देम कर रहा है। तो देम क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन हुआ। पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा प्रोनाउन? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। उसके बाद जो है रीता एंड टीना विल गो विथ अस, तो ये किनके साथ जानी है? किनके साथ? अस मानी हम लोग के साथ जा रही है। तो ये अस क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन हुआ, लेकिन ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। उसके बाद है टीना गेव मी अ लेटर, यानी मी, यानी कि मैं आ गया ना, टीना क्या करे? मुझे लेटर दे रही है। तो मी हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अब मी कौन सा है? अब प्रोनाउन में ज्ञात करना है कि ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टीना नाउन की जगह प्रोनाउन है, लेकिन एक और नाउन के लिए क्या आया? मी आया है, मतलब मेरे लिए क्या है? मी आया है। तो इसके लिए क्या कर देंगे? टीना गेव मी अ लेटर, तो ये बीच में आया है ना, बीच में या किनारे इसको बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया हमारा, पर्सनल प्रोनाउन खत्म, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन पूरा समझ में आ गया होगा कि पर्सनल प्रोनाउन कहते किसे हैं और ये क्या होता है और इनके इनको कैसे बांटा जा सकता है, किन किन भागों में, ठीक है। यहाँ तक हमारा पर्सनल प्रोनाउन का वो चल रहा था, ठीक है, पीरियड चल रहा था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड जो था पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस की ओर, यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम की ओर। अधिकार मतलब आप लोगों को सबको पता होगा, अधिकार यानी कि हक, जिस पर हम लोग हक जताते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ठीक है। जिस पर हम लोग हक जताते हैं यानी कि अधिकार बताते हैं कि ये मेरा है। जैसे मान लीजिए ये कलम मेरा है और किसी ने ले लिया, तो हम लोग जाकर उसको छीन लेंगे कि ये मेरा है, मेरा पेन है, मुझे दो। तो ये क्या करें, हम लोग उस पेन पे हम अपना अधिकार जता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अधिकार ये होता है, ठीक है, जो मतलब हमारा है तो उस पर हमारा अधिकार है, वही होता है अधिकार। तो वो ये जो प्रोनाउन आपको दिख रहा है, अधिकारवाचक सर्वनाम यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये पोजेसिव प्रोनाउन होता क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, इज ए प्रोनाउन दैट इज यूज टू इंडिकेट पोजेसिव और ऑनरशिप। यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम एक सर्वनाम है, ठीक है, सर्वनाम है, अधिकारवाचक सर्वनाम एक सर्वनाम है जिसका उपयोग अधिकार या स्वामित्व को इंगित करने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग किसके लिए, अधिकार, ठीक है, यहाँ पे किसके लिए किया जाता है, अधिकार या स्वामित्व, यानी कि ऑनरशिप, यानी कि जो ऑनर है हमारा है, ठीक है, जो मतलब हम ऑनर है इसके, ठीक है। मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी का ऑनर है, तो वो अपनी ऑनरशिप जताने के लिए या फिर अधिकार को दिखाने के लिए किसका यूज करता है, जिस वर्ड्स का, उसे कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो जो अधिकारवाचक सर्वनाम के जो वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल्स में हिज, हिज मतलब उसका, योर्स मतलब तुम्हारा या आपका, हर्स मतलब उसका, हर्स, ये हीज और हर दोनों सेम वर्ड है, लेकिन ये आता है फीमेल के लिए और ये आता है मेल के लिए, ठीक है, इतना तो पता हो गया आपको। उसके बाद है माइन, माइन मतलब मेरा, जो माई मतलब मेरा होता है, वैसे ही माई, माई क्या हो जाता है, मेरा, पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, पोजेसिव प्रोनाउन, वो माई का माइन हो जाता है, यानी कि माई बोलता हूँ मेरा है, ठीक है, लेकिन माइन जो है ना वो अधिकार जताने के लिए किया जाता है माइन का उपयोग, ठीक है। तो ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। उसके बाद आवर्स, यानी कि हमारा, आवर मतलब तो होता है हमारा, ठीक है, लेकिन ये आवर्स मतलब हमारा, सिर्फ अधिकार बताने के लिए एस का यूज़ किया गया है इसमें, आवर्स। उसके बाद देयर्स मतलब उनका, ठीक है, उनका है, तो उनके अधिकार को जताने के लिए इसमें देयर में एस लगा दिया गया, एक्सेट्रा। तो ये सब जितने वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये एग्जाम्पल में जो ये वर्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को, ये सब क्या है, पोजेसिव प्रोनाउंस है। कौन सा, पोजेसिव प्रोनाउंस यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद हम लोग इनके जो वो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए देखें इसके एग्जांपल्स क्या कहते हैं। दैट इज हिज साइकिल, यानी कि वह उसका साइकिल है, ठीक है। तो उसके अधिकार को दिखाने के लिए हम लोगों ने किसका यूज किया, हिज का, हिज मतलब उसका, यानी कि इस साइकिल पर किसका अधिकार है, उसका अधिकार है, उसका साइकिल है, तो उसका ही अधिकार है ना, हमारा थोड़ी है। जैसे मैं बोलूंगा कि ये पेन मेरा है, तो ये पेन मेरा है, तो इस पर आप लोगों का अधिकार तो नहीं होगा, मेरा ही होगा ना। तो ये होता है ऑनरशिप या फिर पोजेशन। उसके बाद समवन आस्क्ड इज दैट वॉच योर्स, यानी कि किसी ने पूछा कि क्या यह घड़ी तुम्हारी है, तो वो लोगों ने किसका यूज़ किया, योर्स का, यानी कि मेरे अधिकार को दिखाने के लिए। जैसे मैं किसी को बोलूँगा कि इज़ दैट योर वॉच, योर कार्स, वॉच इज़ योर्स, यानी कि ये जो घड़ी है तुम्हारी है, तो मैं बोलूँगा, अगर मेरा होगा तो मैं बोलूँगा हाँ, अगर नहीं होगा तो नहीं, मैं बोलूँगा नहीं। तो वो अधिकार से बोला कि मतलब अगर आपका होगा तो हाँ बोलिए, नहीं है तो नहीं बोलिए। तो ये बोल रहा है कि क्या आपकी घड़ी है, तो हम बोलेंगे हाँ, अगर है तो हाँ बोलेंगे, नहीं है तो नहीं बोलेंगे। तो ये हमारे अधिकार को बताने के लिए योर में एस लगाया, योर्स बना दिया, ठीक है। तो ये एस लगता है अधिकार बताने के लिए, ठीक है, प्रोनाउन वर्ड्स में एस लगता है तो अधिकार दिखाने के लिए। उसके बाद है दिस नोटबुक इज माइन, यानी कि ये जो नोटबुक है वो किसका है, मेरा है। मैंने बताया ना कि माई मतलब मेरा तो होता है, लेकिन ये माइन जो होता है वो अधिकार को दिखाने के लिए होता है। तो ये बुक मेरा है, तो उस पर मेरा अधिकार है, ठीक है। उसके बाद है वी बॉट दिस गेम टुगेदर सो इट इज आवर्स, हम लोगों ने क्या किया, इस गेम को साथ में खरीदा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हुआ, हमारा हुआ, हम लोगों का हुआ, तो इस पर हमारा अधिकार है ना। तो यही होता है पोजेसिव पोजेशन प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम वही होता है जिस पर मतलब जिससे कि ऑनरशिप दिखाने का, ऑनरशिप दिखाया जाए, अपने मतलब अधिकार जताया जाए, ठीक है, वो होता है पोजेसिव प्रोनाउन। जिन वर्ड्स के द्वारा अपने अधिकार को हम लोग बता सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस, अधिकारवाचक सर्वनाम। उसके बाद है द बोटल इज देयर्स, यानी कि ये जो बोटल है किसका है, उनका है, तो उनका है तो उनका अधिकार है ना। तो उनके अधिकार के लिए हम लोग क्या किए, देयर्स का यूज किया है ना,
तो यही होता है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, अधिकारवाचक सर्वनाम। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ गया, समझा आ गया होगा पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप्स की ओर। नेक्स्ट टाइप क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते किसे हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स आर वर्ड्स एंडिंग इन सेल्फ और सेल्व्स, ये देखिए ये इसका मेन पॉइंट है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स कैसे वर्ड्स हैं जो किससे एंड होते हैं? सेल्फ और सेल्फ से जो एंड होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स दैट आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस आर द सेम। यानी कि रिफ्लेक्टिव सर्वनाम, यानी कि क्या होता है निजवाचक सर्वनाम, यहाँ पर रिफ्लेक्टिव सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम होगा, यानी कि निजवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनके अंत में सेल्फ और सेल्फ्स लगे होते हैं, जिनके अंत में क्या होता है सेल्फ और सेल्फ्स, ठीक है, होते हैं, जिनका उपयोग तब किया जाता है जब विषय और वाक्य का उद्देश्य समान हो। विषय यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है, और वाक्य यानी कि सेंटेंस, यानी कि जो सब्जेक्ट है और जो सेंटेंस है अगर दोनों का उद्देश्य समान होता है तो सेल्फ और सेल्फ्स का उपयोग किसी वर्ड के अंत में करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनको समझ लेते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहता क्या है। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग समझते हैं। माई सेल्फ यानी कि क्या, माई सेल्फ मतलब मेरा, उसके बाद योर सेल्फ, योर सेल्फ मतलब तुम्हारा, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनमें सब में आप लोगों को एक बात कॉमन दिख रही होगी, इसमें ये आप लोगों को देखने को मिलेगा सेल्फ, क्या मिल रहा है सेल्फ, सेल्फ मिल रहा है ना, इसमें क्या बोल रहा है सेल्फ और सेल्फ से इंड होता हो जो कोई भी वर्ड, सेल्फ 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 सेल्फ, यहाँ पे सेल्फ्स और यहाँ पे भी सेल्फ्स दिख रहा है ना आप लोगों को, और यहाँ पे भी क्या है सेल्फ्स है, यानी कि जितने भी ये सारे वर्ड्स हैं वो सेल्फ और सेल्फ से इंड होते हैं। तो ये सब क्या हुए रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हुए, यानी कि निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ, ये जो आप लोगों को ये चार्ट दिख रहा है ये कौन सा चार्ट है, क्या कह रहा है? तो ये देखिए ये क्या लिखा है, सब्जेक्ट एंड प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि ये क्या है सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये दोनों आप लोगों को सेंटेंस में मिलेंगे, मतलब कि आई का हो जाएगा माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, यानी ही के लिए हिम आता है और सी के लिए हर आता है। तो दोनों ये जो है इनको अगर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में यूज़ करना है तो इनके लास्ट में क्या करना होगा, सेल्फ या सेल्फ लगाना पड़ेगा। तो इनके इनमें लगेगा सेल्फ, ठीक है, उसके बाद है इट, इट का हो जाएगा इट सेल्फ, खुद होता है, वन का वन सेल्फ, वी का आर सेल्फ, वी का होता है आवर, यू का होता है योर सेल्फ और दे का होता है देम सेल्फ। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं उनका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन ये बनता है, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये याद करने में कुछ है नहीं, ठीक है, थोड़ा सा है बस, पाँच छः भी नहीं है, तीन चार और चार आठ, आठ है, आठों शब्द हैं। तो इन सबको याद कर लीजिएगा, ये कुछ ज़्यादा महंगा है नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने एग्जांपल्स की ओर पढ़ते हैं कि एग्जांपल्स में क्या क्या दिया हुआ है, कैसे है, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स की ओर पढ़ते हैं। ये देखिए, आई ब्रश माई टीथ एंड स्टेयर एट माई सेल्फ इन द मिरर, ये क्या कह रहा है, यानी कि मैं क्या करता हूँ अपने ब्रश से अपने दांतों को और स्टेयर को खुद धोता हूँ अपने मिरर में देख के, ठीक है, माई सेल्फ इन द मिरर, यानी कि आई क्या आया सब्जेक्ट आया और ये क्या आया माई सेल्फ, किस लिए आया सब्जेक्ट और सेंटेंस का दोनों का, ये देखिए माई सेल्फ मतलब खुद मैं और आई मतलब भी मैं, तो दोनों का ये जो सेंटेंस का जो निकल रहा है अर्थ निकल रहा है, ठीक है, वो जो निकल रहा है उसमें वो क्या कर रहा है एक ही आ रहा है सेम आ रहा है, तो ये क्या हुआ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, यानी कि माई सेल्फ क्या हो जाएगा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। उसके बाद है ही बॉट हिमसेल्फ ए न्यू ड्रेस, यानी कि वह खुद के लिए अपने के लिए एक नया ड्रेस खरीदा, ठीक है, तो वो अपने लिए खरीदा है ना, तो वो उसके लिए, तो हिमसेल्फ क्या आ जाएगा हमें रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आ रहा है,
यानी कि वो क्या कर लिया उसके लिए, तो दोनों का तो अर्थ एक ही हुआ ना, तो वो अपने लिए ही खरीद रहा है ना, तो वो अपने लिए खरीद रहा है, तो वो दोनों ही का और हिमसेल्फ का दोनों का अर्थ क्या आ रहा है, समान आ रहा है, एक ही आ रहा है। उसके बाद टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यानी कि तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है। उसके बाद सी डिडंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट हर सेल्फ एनी वे, यानी कि सी दिख रहा है आप लोगों को, उसके बाद हर, और हर के साथ क्या जुड़ गया, सेल्फ, तो ये बन गया हमारा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, और ये क्या बन गया, पर्सनल प्रोनाउन या फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद है द वुंड हील्ड इट सेल्फ क्विकली, वुंड मतलब होता है घाव, यानी कि जो घाव है वो क्या है, अपने सा अपने आप जल्दी से ठीक हो जाएगा, ठीक है। हील्ड मतलब जख्मों को भर जाना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इट सेल्फ, मैंने बताया छोटे छोटे जीवों या फिर निर्जीव वस्तुओं के लिए ईट का यूज़ किया जाता है, तो वुंड में जो होते हैं वो छोटे छोटे बहुत सारे कीटाणु होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे उंड के लिए, वुंड के लिए जो क्या हुआ, ईट का यूज़ हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए, एलाइस एंड डोरिस कलेक्टेड द स्टिकर्स देमसेल्स, ठीक है। तो ये एलाइस और डोरिस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, खुद से ही क्या कर रहे हैं, उनके लिए, खुद के लिए, अपने लिए स्टिकर्स देमसेल्स, यानी कि इनके लिए ही क्या कर रहे हैं, स्टिकर्स को कलेक्ट कर रहे हैं। अगर दूसरे के लिए करते हैं तो वो बात अलग थी, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, और हम लोग बोल रहे हैं, तो इनको इनके लिए बोल रहे हैं एलाइस और डोरिस, हम बोल रहे हैं एलाइस और डोरिस जो है वो अपने लिए स्टिकर्स को कलेक्टेड कर लिए हैं, कलेक्ट कर लिए, जमा कर लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा देम सेल्फ जो है वो बन जाएगा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। उसके बाद देखिए, माई सिस्टर एंड आई लुक्ड एट आवर सेल्फ इन द मिरर, यानी कि माई सिस्टर और मैं और मेरी बहन, हम अपने आप को कहाँ देख रहे थे, मिरर में, यानी कि दर्पण, यानी कि शीशा में, आईना आप लोगों के घर पे होगा, ठीक है, आईना उसी को मिरर कहते हैं। तो ये जो मेरी बहन है और मैं हूँ, वो क्या कर रहे थे, अपने आप को मिरर में देख ले रहे थे, तो हम लोगों ने खुद को ही मिरर में देखा है, तो इस सेंटेंस का अर्थ निकलता है माई सिस्टर एंड आई, मैं और मेरी बहन, और आवर सेल्फ का मतलब हो गया हम दोनों, ठीक है। आवर सेल्फ का मतलब क्या हो गया, हम, तो हम लोगों ने क्या करा था, मिरर में अपने आप को देख रहे थे। उसके बाद इट इज़ नॉट गुड टू थिंक ओनली वन सेल्फ, यानी कि ये अच्छा नहीं है कि आप अपने बारे में ही सोचें, ठीक है। इट इज़ नॉट गुड टू थिंक ओनली वन सेल्फ, ओनली ऑफ वन सेल्फ, यानी कि ये अच्छा नहीं है कि आप अपने बारे में ही खुद अपने ही बारे में सोचें, कुछ परिवार के बारे में सोचना चाहिए, मम्मी पापा के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे बेटर होता है, ये था आपका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, क्या था, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का मतलब होता है क्या, निजवाचक संज्ञा, क्या होता है, निजवाचक संज्ञा, यानी कि जिन वर्ड्स के अंत में, यानी कि लास्ट में जो कोई भी वर्ड्स हो अगर उनके लास्ट में सेल्फ और सेल्फ्स लगा होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, रिफ्लेक्सिव यानी कि निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक था हमारा, तीन हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तक, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये तीनों तो पोजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीन तो हमारा हो गया, तीन प्रोनाउन के टाइप्स। अब इसके बाद हम लोग, इसके बाद आप लोगों को अगर ये जो मैं तो लिखवा रहा हूँ, ये आप लोग खुद के नोट्स बनवाइए, नोट्स बनाइए, ये खुद के नोट्स बनाने से क्या होता है ना कि मतलब वो बात दिमाग में छप जाती है कि मैंने ये लिखा था, ये होगा, ठीक है। तो वो खुद के बना नोट्स बनाने से यही फायदा होता है कि जो हम लोग लिखे होते हैं वो याद रहता है, और ये नोट्स दूसरे का नोट्स लेकर के आप लोगों को मतलब रट्टा मारना पड़ेगा कि जो मतलब मैं लिखवाऊँ वही लिखोगे, लेकिन खुद का आप नोट्स बनाओगे ना तो खुद खुद से बनाओगे, समझ करके बनाओगे, और तुम्हारे दिमाग में हमेशा छपा रहता है। तो इसलिए क्या करो, अपना नोट्स बनाओ, ठीक है। उसके बाद फिर भी अगर आप लोगों को मन करा टेस्ट देने का, तो ये हमारा ऐप का नाम है, ठीक है, ये हमारे ऐप का नाम है बीर कोचिंग सेंटर। इसको आप लोग डाउनलोड करें, उसमें लॉगिन करें, फ़ोन नंबर डालें, लॉगिन करें, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप लोग वो 11th 12th कोर्स पे जाइए, अगर आप 11th के साथ हैं तो 11th पे जाइए, अगर आप 12th के हैं तो 12th पे जाइए, और उसमें कंटेंट्स पे जाइए, कंटेंट में अगर उसमें आप लोग को मिलेगा टेस्ट सीरीज पे क्लिक करिए, और वहाँ पे आप लोग जिसका मन करे उसका टेस्ट दीजिए, नाउन का, प्रोनाउन का, नंबर का, या फिर बुक में से कोई लेसन का करना है तो वो भी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। सो थैंक यू, आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।